मेरा नाम डॉक्टर मुजफ्फर मकबूल है। आई एम वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। कोविड-19 कहर बरपा है, हम सब इस बात से खूब वाकिफ है कि कोविड-19 की हालत बहुत तश्वीशनाक हो गई है। सो इट बिकम्स वेरी इंपरेटिव, हम समझ ले ये बात, क्योंकि ये दिस इज द चंक ऑफ द पॉपुलेशन हु इज बीइंग मैनेज्ड एज कोविड। हमको समझना बहुत जरूरी यहां बन जाता है कि इन पेशेंट्स को जैसे ही अलामत लगी, जैसे ही इनको लगे कि इनमें से कोई भी अलामत इनको आने लगी है, जस्ट डू नॉट डिले, डू नॉट डिले, डू नॉट पैनिक एंड डू नॉट डिले। वो अपने नजदीकी कोविड केयर सेंटर से राबता करें, जहां पे डॉक्टर साहिबान ये डिसाइड करेंगे कि इनको दाखिले की जरूरत है या किसी खास इलाज की जरूरत है। ये चीज आजकल के वक्त में जो मेरे जहन हिसाब से और मेरे जहन के हिसाब से व्हाट आई फील इज दैट दिस इज द नीड ऑफ द आवर। प्लीज डू नॉट टेक स्टीरॉइड्स अननेसेसरी, खुद स्टीरॉइड स्टार्ट ना करें। माइल्ड डिजीज में रिपीट सीटी स्कैन करने की जरूरत नहीं है। एंड रिगार्डिंग द डाइट ऑफ दीज पेशेंट्स, दे शुड हाइड्रेट देमसेल्व्स वेल, अच्छा पानी पिए, रेस्ट करें, और they should take a good healthy and a nutritious diet, which will we should include vegetables and fruits. jinko ye danger signs ya warning signs nahi hai aur gharon mein isolated hai, asymptomatic hai, asymptomatic ke liye main ek baat bata deta hu that preferably they should isolate in a room jisme separate bathroom facility ho. aur bahut important hai ki ye samjhe, ab jo nayi guidelines aayi hai unke hisab se those patients who are asymptomatic, जैसे ही 10 दिन हो जाते हैं, they can come out of the isolation without any retesting. और वो patient जिनको mild symptoms है, they have to count from the day they became symptomatic, day one of the symptoms से आगे जाके, they should be asymptomatic for at least 3 days, और कम से कम 10 दिन हो गए होने चाहिए जब वो isolation से बाहर निकल सकते हैं without being retested. Regarding जो इनके केयर गिवर्स है, आइडियली वी शुड सिलेक्ट अ केयर गिवर हु इज अ हेल्दी वन, प्रेफरेबली अगर वैक्सीनेटेड है, यंग है, एंड वंस ही कम्स इन कॉन्टेक्ट विद दिस पेशेंट, उसके कमरे में अगर वो आए तो द पेशेंट शुड बी वेयरिंग अ मास्क, सर्जिकल मास्क और एन N95 मास्क, और एंड जो केयर गिवर हो वो भी प्रॉपर मास्क में हो, देन जो उनके जो आइटम्स है, जो डिस्पोजेबल आइटम्स एंड अदर थिंग्स, उनके यूटेंसिल्स एंड उनकी जो वहां पे से जो डिस्पोजेबल्स है, दे शुड बी पैक्ड इन अ टाइटन्ड और इन अ बैग विच शुड बी कंप्लीटली क्लोज्ड एंड देन डिस्पोज्ड प्रॉपरली। आम तासुर लोगों में आ गया है कि कोविड के लिए स्पेशल डाइट, आई विल कन्वे माई मैसेज दैट देयर इज नो स्पेशल डाइट फॉर कोविड-19। जो कोई चीज खाने में आप कंफर्टेबल हो, प्रेफरेबली अ हेल्दी वन एंड अ बैलेंस्ड वन, आई थिंक दैट डाइट शुड डू।